चलिए ठीक है, हिंदी में स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ओके, तो आई होप मल्टीपल ऑफ यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर, है ना, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार बता देता हूँ। F5 नेटवर्क्स कंपनी का नाम है, जैसे आपका सिस्को है ना, जैसे आपका अपोलो ऑल्टो है, जूनीपर है, डेल है, HP है, लॉट ऑफ नेम्स आर देयर। ऐसे ही आपका एक नाम है F5 नेटवर्क्स। F5 नेटवर्क्स के अंदर भी आपके कुछ प्रोडक्ट सूट रहते हैं, जिसमें से एक होता है बिग IP का। ओके, बिग IP, तो ये जो बिग IP है, बिग IP में काफी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में स्लाइड्स पे भी दिखाऊंगा। हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले इस वाली जो क्लास है उसमें बात करने वाले हैं LTM के बारे में। ओके, LTM जिसे हम बोलते हैं लोकल ट्रैफिक मैनेजर, और जो ये LTM है ये विद इन अ डेटा सेंटर प्लेस हो जाएगा, डेटा सेंटर, तो विद इन आपका डेटा सेंटर पे आपका LTM लगता है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बिग आईपी में, धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, और हम सारे इस बारे में बात करेंगे। एक और टर्म यह लिखी हुई है ADC, दैट इज एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। जो आजकल का टाइम है, यू आर अवेयर कि सब चीजें जो है डिजिटल जा रही, डिजिटल, तो डिजिटल जा रही है मीन्स वेब एप्लीकेशन इज देयर, है ना। हर एक चीज के लिए आपको छोटी छोटी, मेरे ख्याल से अब आटा चक्की की भी जो दुकानें हैं वो भी अपनी एक ऐप रखती है, तो हर एक चीज ऐप की तरफ जा रही है। जो ये एप्लीकेशन से, जो ये डिजिटल चीजें हैं, ये जब डिजिटल बनती हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन धीरे धीरे, जैसे कोर्स में मैं आपको धीरे धीरे और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि F5 का ये प्रोडक्ट क्या करता है, किस पे फोकस कर रहा है, एप्लीकेशन डिलीवरी। सो एप्लीकेशन की जो डिलीवरी है मीन्स, अब मैं आई एम एज अ यूजर, कोई एक एप्लीकेशन चेक कर रहा हूँ, अमेजन चेक कर रहा हूँ या नेटफ्लिक्स चेक कर रहा हूँ, कुछ भी चेक कर रहा हूँ, राइट, वो एप्लीकेशन ही मुझे स्लो रिस्पॉन्स कर रही है या रिस्पॉन्सिव ही नहीं है वो, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा? ऑफ कोर्स अच्छा नहीं होगा, इट इज बैड, है ना। और जहां पर यूजर एक्सपीरियंस बोर हो जाता है विद इन 10 सेकेंड्स, तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ 2 to 5 सेकेंड्स ही जो है ना, पर्सन उसकी गलत परसेप्शन बन जाती है, और उसी परसेप्शन की वजह से वो एप्लीकेशन के यूजर डेटाबेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो F5 कैसे उसमें मिटिगेट करता है, कैसे हेल्प करता है, वी विल बी गोना टॉक अबाउट दैट बट लेटर ऑन। अब देखिए F5 का मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट सूट्स रहते हैं, F5 नेटवर्क इज अ कंपनी, ये आपको लोगो दिखाई दे रहा है F5 का, है ना, तो ये F5 कंपनी का लोगो है ना, इट इज, इट डज नॉट बिलोंग विद अस, हमारा नहीं है, दिस इज F5 कंपनी लोगो। तो F5 का बिग आईपी प्रोडक्ट सूट रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसमें से एक एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर के बारे में मैं बात कर रहा था, LTM के बारे में, है ना, और भी बहुत प्रोडक्ट सूट है बट मैंने अभी आपको बताया इसका एक का। इंटरप्राइज मैनेजर सीरीज भी आ जाती है, डाटा सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, बिट लाइक अगर आपको सिस्को का पता हो, सिस्को राउटिंग स्विचिंग में भी डील करती है, सिस्को नेक्सस उसमें भी डील करती है, डाटा सेंटर बोल रहा हूँ उसको, है ना, सिस्को वायरलेस में भी डील करती है, मेराकी सॉल्यूशन वगैरह वहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका ACI सॉल्यूशन जो है वो वर्क करता है, यहाँ पर आपका SD-WAN आ गया, राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट है आपकी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदर आपका डील करती है, उसी तरीके से F5 भी। तो हम जो बात करेंगे, वी विल बी गोना टॉक अबाउट बिग आईपी प्रोडक्ट सूट। तो अभी आप बिग आईपी प्रोडक्ट सूट देखो तो आप देख रहे हो कि कितने सारे यहाँ पे प्रोडक्ट सूट्स के अंदर फर्दर हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। जैसे इन, ये जो हमारी क्लास चल रही है, ये जो हमारा बैच चलेगा, सबसे पहले ये चलेगा LTM का, LTM लोकल ट्रैफिक मैनेजर, मैंने अभी आपको बताया। लगभग आपका 20 से 24 घंटे का कोर्स रहेगा ये, 2 घंटे आपका सैटरडे, 2 घंटे आपका संडे, है ना, 1.5 से 2 घंटे जो भी, तो इतनी आपकी ड्यूरेशन रहेगी। लगभग लगभग 1.5 मंथ्स आप पकड़ के चलिए कि 1.5 महीने के अंदर आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, सवा महीना या 1.5 महीना, इस तरीके से। फिर आपका एक GTM आ जाता है, GTM पुराना नाम है, नया नाम अब इसका DNS हो चुका है, ठीक है। तो GTM क्या था इनका, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर था, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, हाउ कि विद इन डेटा सेंटर जब आप काम करते हो तो तब तो हो गया LTM, लेकिन अब विद इन डेटा सेंटर ना होके वो आउटसाइड ऑफ डेटा सेंटर है, तब कौन सा सॉल्यूशन है, तो उसको GTM बोल देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा एक क्लाइंट है,
क्लाइंट ने एक एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, मान लो www.abc.com, ठीक है। अब ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक सबसे पहले जाएगा LDNS पे, लोकल DNS पे, और इवेंचुअली वो रूट सर्वर से होते हुए, है ना, टॉप लेवल डोमेन से होते हुए एक अथॉरिटेटिव सर्वर पर आ जाएगा, और अपने केस में वो अथॉरिटेटिव सर्वर कौन है, GTM, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। ऑल दो डिफरेंट मॉड्यूल नहीं भी समझ में आएगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब GTM जो है, GTM को पता है कि ये जो मेरी एप्लीकेशन है, इट इज होस्टेड इन टू डेटा सेंटर, मान लो एक APAC में भी है और एक EMEA में भी है, ठीक है। तो क्वेरी जो भी नियरेस्ट पड़ती है, मान लो ये यूजर जो आ रहा है ये लंदन से आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है लंदन से आ रहा है तो ये यूजर कहाँ जाएगा, ये यूजर आपका EMEA में जाएगा। अगर यही यूजर सिंगापुर से आ रहा होता तो ये कहाँ जाएगा, यही यूजर मेरा APAC में जाएगा। तो विद इन देखो टू डेटा सेंटर है यहाँ पे, डेटा सेंटर नंबर वन, डेटा सेंटर नंबर टू। तो ये आउटसाइड ऑफ डेटा सेंटर जब आपका काम हो रहा है, विद इन डेटा सेंटर नहीं है ये, है ना, इसे कहते हैं GSLB सॉल्यूशन। मैं आपको इसके बारे में बताऊं, लेकिन DNS की क्लासेस में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये आपका GSLB सॉल्यूशन है जो ऑन द टॉप ऑफ, कैन बी ऑन टू डेटा सेंटर, कैन बी ऑन थ्री डेटा सेंटर, बट विद इन द डेटा सेंटर आपका LTM होता है, और LTM के बाद आपकी एक से ज्यादा सर्वर हो सकते हैं, सर्वर वन, सर्वर टू, इस तरीके से आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका LTM होता है विद इन डेटा सेंटर, इसको मैं बोल सकता हूँ विद इन DC। ये आपका क्या है, अक्रॉस द DCs हो सकता है, एक से ज्यादा भी DCs हो सकता है। अच्छा, ड्यू टू जूम इशू हमारा यहाँ पे ना, जो भी नया कैंडिडेट आता है उसका नाम जोया सांगवान ही शो करता है, तो अभी जो भी पर्सन आए हैं प्लीज आप अपना एक बार नाम बता दीजिए ताकि आपका नाम चेंज हो जाए। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दैट इज फाइन, सी वी कैन कंटिन्यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको यू हैव सम प्रॉब्लम, मे बी कोई बात नहीं, आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो फॉर यू, बट लेट इट बी इन हिंदी। ओके, हाँ, सो आई वॉज स्पीकिंग अबाउट कि LTM आपका जो है विद इन डेटा सेंटर का सोल्यूशन है, एंड GTM इज अक्रॉस द डेटा सेंटर। इसी तरीके से हम दोबारा स्लाइड पे चलते हैं, तो आप अगर स्लाइड पे देखो, अभी हमने किसकी बात की, LTM की बात की, फिर किसकी बात की, GTM की बात की। इसी तरीके से आपके लिंक कंट्रोलर हो सकता है, APM हो सकता है, ASM हो सकता है, एज गेट पे हो सकता है, वेब एक्सेलरेटर हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, एंटरप्राइज हो सकता है, बहुत सारे आपके सॉल्यूशंस हैं। जैसे अगर मैं ASM की बात करूं, ASM का अभी जो नया नाम है दैट इज एडवांस वेब, है ना, किसी को पता है एडवांस वेब के बारे में, व्हाट इज दिस, एनीबॉडी? नो, ओके, एडवांस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, हाँ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ये प्रोडक्ट कब काम आता है? कोई बात नहीं, मैं आपको भी बता दूं। देखो होता क्या है कि आपकी कुछ फायरवॉल्स होती हैं, जैसे आपकी पोलो अल्टो मान लो आपकी फायरवॉल है ना, स्टेटफुल फायरवॉल्स है, दैट इज आल्सो गुड, बट दीज आर द ट्रेडिशनल फायरवॉल्स। आपका लेयर वन से लेयर सेवन तक की इंस्पेक्शन करती हैं कहने को, लेकिन उतनी रोबस्ट नहीं करती हैं जितनी एक लेयर सेवन पर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उसके लिए हमें वेब सॉल्यूशन लगाना पड़ता है, वेब सॉल्यूशन। अब वेब सॉल्यूशन भी काफी हो सकते हैं। वेब सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो अब अगर आप बात करो वेब सॉल्यूशन की, F5 का अपना वेब सॉल्यूशन है जिसको मैं अभी ASM दिखा रहा था ना, इसको अभी नया नाम रख दिया इसका एडवांस वेब, न्यू नेम इज एडवांस वेब। तो एडवांस वेब इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द बिग IP प्रोडक्ट सूट, एंड व्हाट इट डज, ये आपका प्रोटेक्ट करता है लेयर 7 एप्लीकेशंस को। तो लेट अस से आपका कोई भी एक अटैक आ रहा है, ये अटैक है DOS या DDoS, है ना,
इस तरीके का कोई भी वल्नरेबिलिटी आ रही है, कोई भी अटैक आ रहा है, ये लेयर वन से लेयर सेवन के बीच में आपके जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हैं वही इसको पिक करके मिटिगेट कर देना चाहिए। बट लेट अस से देर इज सम वल्नरेबिलिटी, है ना, कुछ पैरामीटर आपका एक्सप्लोइट हो रहा है, पैरामीटर लेवल पे आपका एक्सप्लोइट हो रहा है, या आपका फाइल टाइप का जो आपकी साइज है दैट इज इंक्रीजिंग। जब ये सारी चीजें आती हैं तो ट्रेडिशनल फायरवॉल इसको मतलब मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। तो हु विल मिटिगेट? एएसएम विल मिटिगेट। उसके लिए आपका वेब सॉल्यूशन चाहिए, और बिलीव मी फॉर F5 इंजीनियर्स हु नो अबाउट द वेब, मतलब नो नहीं मैं कहूंगा, मैं बोल आई विल से कि हु आर वेल अवेयर एंड हु आर एक्सेल्ड इन द वेब टेक्नोलॉजी, दे आर गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरी, है ना, उनकी बहुत सारी डिमांड भी है एंड दे आर गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरी। इट्स अनलाइक कि आप सिर्फ राउटिंग और स्विचिंग में काम कर रहे हो और कोई भी इशू आ रहा है आपके पास आ रहा है, ना ना ना, F5 इज समथिंग लाइक आप प्रोडक्ट बेस्ड आप काम करना शुरू कर दिए एंड यू आर हैविंग द होल्ड ऑन योर प्रोडक्ट, यू आर हैविंग द होल्ड कि ठीक है आई विल नॉट यू नो लेट एवरीबडी पोक देयर नोज इन एवरी इशू। हर कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा कि नहीं नहीं मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा तो देख लो ना, अब वही आएगा जो स्पेसिफिक इश्यू आपके पास आना चाहिए। तो एक ये भी रीजन रहता है बहुत सारे लोग नेटवर्किंग से F5 की तरफ मूव करते हैं। दूसरा, इंटरव्यू में आपको पता ही है, अब राउटिंग स्विचिंग तो बड़ा कॉमन हो गया, इसके साथ फायरवॉल, क्लाउड, ऑटोमेशन और साथ में F5 वगैरह कोई एक ऐसा प्रोडक्ट भी मांगा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, कि F5 नेटवर्क्स क्या है, BIG प्रोडक्ट सूट क्या है, एवरीबडी इज अवेयर। अब ये जो स्लाइड है ना, दिस स्लाइड इज रियली वेरी कॉमन। इस स्लाइड में आपको सिर्फ एक फेस दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये शो किया जा रहा है कि F5 जो है एज अ लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। ओके तो अब यहाँ पर मैं F5 बोल रहा हूँ, बट व्हेन आई एम सेइंग अबाउट F5 आई मीन टू से LTM। तो LTM जो है एज अ लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, ये सिर्फ लोड बैलेंसिंग नहीं करता है, ये बहुत सारे और काम भी करता है जो लेटर और सूनर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हाउ डज इट वर्क। अब आप यहाँ देखें LTM है, LTM कहाँ पर है, विद इन योर डेटा सेंटर, दिस इज योर DC। क्लाइंट बाहर से आ रहा है ओवर द इंटरनेट, क्लाइंट जो पिंग करेगा, कोई एक एप्लीकेशन को पिंग करेगा, मान लो www.abc.com, तो फॉर क्लाइंट दैट एप्लीकेशन इज होस्टेड वेयर, LTM पे, है ना, LTM पे होस्टेड है, इसको बोलते हैं वर्चुअल सर्वर। इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखो ये कहाँ जाएगी, वर्चुअल सर्वर पे। वर्चुअल सर्वर देखेगा कि कौन सा मेरा जो बैकएंड का नोड है, एक्चुअल जो सर्वर जो इसको होस्ट कर रहे हैं उसमें से कौन इसका आंसर देगा। अब मान लो सर्वर वन फ्री है तो सर्वर वन आंसर देगा, सर्वर टू फ्री है तो सर्वर टू आंसर देगा, बिट लाइक सेम आपके आंसर्स मिलते हैं, गेटिंग दिस पॉइंट। तो कौन से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी वो देखना पड़ेगा। अब यही ना मैं आपको ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। देखो आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, रिक्वेस्ट आ रही है ये राउंड रोबिन मेथड से जा रही है, राउंड रोबिन मेथड इज योर प्योर यू कैन से बाय डिफॉल्ट मेथड। सी फर्स्ट रिक्वेस्ट फर्स्ट सर्वर पे, सेकंड रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर पे, थर्ड रिक्वेस्ट थर्ड सर्वर पे, बिट लाइक दैट। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो कि आपकी रिक्वेस्ट यहां से यहां तक आएगी। अब ओवर द इंटरनेट जब भी रिक्वेस्ट आएगी ना, वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होगी,
वो आपकी सिक्योर्ड होगी, इट मीन्स दैट इज नेम्ड एज HTTPS सिक्योर्ड। बट यही रिक्वेस्ट जब आपकी लोकल ट्रैफिक मैनेजर से सर्वर पे जाती है तो ये आपकी सिक्योर भी हो सकती है और ये आपकी प्लेन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप ट्रैफिक आपका विद इन द डेटा सेंटर है, मैंने अभी आपको बताया ना, दिस इज योर डेटा सेंटर, ऑल ऑफ दिस थिंग इज योर डेटा सेंटर। अब जो इंटरनेट से आ रही है रिक्वेस्ट, अगर वो प्लेन भेजोगे तो मैन इन मिडल अटैक हो सकता है, बट विद इन योर डेटा सेंटर एवरीथिंग इज सिक्योर। बिकॉज इट इज सिक्योर तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो प्लेन ट्रैफिक से जा सकती है। ओके, सो इट कैन बी इनक्रिप्टेड, इट कैन बी प्लेन ट्रैफिक, बट इट डिपेंड अपॉन मैनी सिनेरियोज दैट वी विल बी गोना टॉक, है ना, ड्यूरिंग अवर क्लासेस हम इस पर बात करेंगे। ये जो काम आएगा ये हम आएंगे प्रोफाइल्स में, जब हम मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफाइल्स क्या होती हैं, तो प्रोफाइल में मैं आपको SSL प्रोफाइल्स के बारे में बताऊंगा और वहां पर इस बारे में बात करेंगे। बट जब आपका इस तरीके का सिनेरियो बनता है, जस्ट FYI, ऑल्दो ये हमारा टॉपिक लेटर ऑन आएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जब हमारा ऐसा सिनेरियो बनता है कि F5 तक HTTPS और नीचे जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो प्लेन जा रही हो, इसको बोलते हैं SSL ऑफलोडिंग। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत लंबा है, इस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज नेम्ड एज SSL ऑफलोडिंग। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज नॉट ओनली अ प्योर लोड बैलेंसर, सिर्फ लोड बैलेंसर नहीं है ये। देखो आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, SSL ऑफलोडिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि SSL टर्मिनेशन कहाँ हो रही है आपकी, ओवर द F1, तो आपका जो सर्वर के जो ये रिसोर्स थे जो कंज्यूम होने थे इनक्रिप्शन करने में, डिक्रिप्शन करने में दोबारा से, वो सारे के सारे आपके रिसोर्सिस आप कंज्यूम किसके होंगे, F5 के। तो F5 ऑफलोड कर रहे हैं इसके वर्क को, इसलिए इसको बोल देते हैं SSL ऑफलोडिंग। इज दिस क्लियर, यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके, सिमिलरली आप कंप्रेशन प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। देखो अभी तो नहीं, लेकिन जो पहले के, अगर आपका टाइम की बात करें हम, तो SD से पहले, SD मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड एरा से पहले मैं आपसे बात करूं, तो होता क्या था, हमारे पास जो बैंडविड्थ थी वो बड़ी लिमिटेड होती थी। अब ये बैंडविड्थ जो है, ये मान लो आपका डेटा सेंटर पर आ रही है LTM पे, और LTM के बाद ये वन ऑफ द सर्वर पर आपका लोड बैलेंस कर रहा था ना, इट इज गोइंग ऑन वन ऑफ द सर्वर। अब यहां से यहां तक जो ट्रैफिक आ रहा है, सिंस इट इज लो बैंडविड्थ, है ना, तो यहां पर हम कंप्रेशन यूज कर सकते। नाउ व्हाट इज द वे, फ्रॉम PC टू LTM इट इज यूजिंग कंप्रेशन, लेकिन LTM क्या करेगा, LTM when sending it to the servers, ये decompress करके भेजेगा। अब जब भी आप compression use करेंगे, you will use some of the algorithm। अब यहाँ पर आपके कोई कोई file थी, आपने compress की, LTM पर आया, तो ये fast हो गया, because ये file let us say 1.2 GB की थी, जब आपने compress कर दिया ये 512 MB की रहेगी, तो it is really fast, लेकिन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में रिसोर्स लगते हैं। नाउ रिसोर्स, हु इज कंज्यूमिंग दोज रिसोर्स, LTM। ओके, तो आप कंप्रेशन प्रोफाइल लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक चीज होती है वन कनेक्ट, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट इट, वन कनेक्ट के बारे में किसी ने सुने, एक तरीके की प्रोफाइल होती है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपका एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जब TCP ट्रैफिक जाता है तो क्या होता है, सिन पैकेट आता है, फिर सिन एक आता है, और फिर एक आता है, ऐसे ही आपका रहता है ना, क्योंकि FI आपका फुल प्रॉक्सी है, फुल प्रॉक्सी मतलब
LTM जो आपका है फुल प्रॉक्सी है। फुल प्रॉक्सी मतलब ये आपका पैकेट यहाँ पर सीन होगा, सीनैक होगा और एक होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी सर्वर साइड पे सीनैक होगा और एक होगा सर्वर साइड। सो यहाँ पे दो आपके कनेक्शन बन जाते हैं, एक क्लाइंट से F5 और दूसरा F5 से सर्वर, दो कनेक्शन बनते हैं। तो क्योंकि ये फुल प्रॉक्सी है, कोई भी क्लाइंट आएगा F5 LTM आपका वही कनेक्शन बनाएगा सर्वर साइड पे। अब क्योंकि ये कनेक्शन आपका सर्वर साइड पे बन रहा है, तो आप ये सोचो कि अगर मेरे पास 1.5 K/s रिक्वेस्ट आती है, ओके, तो मेरे कितने TCP कनेक्शंस बन रहे होंगे यहाँ पे, बट ओबियस 1.5 K। गेटिंग दिस पॉइंट गाइस, यस और नो? अब इतने कनेक्शंस ना बने, मैं एक प्रोफाइल यूज कर सकता हूँ जिसे बोलते हैं वन कनेक्ट। सी, मैं ये सारी क्यों बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें ना बाद में आने वाली हैं, लेकिन मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ बताने का पर्पज एक है कि F5 LTM ज्यादातर लोग अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक लोड बैलेंसर। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो सिर्फ लोड बैलेंसिंग नहीं पूछते हैं, वो बहुत कुछ पूछते हैं आपसे। और फिर आपको लगता है कि यार मुझे ना पढ़कर जाना चाहिए था, और कोई बहुत अच्छी पोजीशन आप अपने हाथ से खो भी सकते हो। तो LTM इज मोर वास्ट देन अ टिपिकल लोड बैलेंसर, एंड दैट इज द रीजन इसको हम बोलते हैं ADC, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। एनी डाउट? तो हु जॉइन विद द नेम ऑफ जोया सांगवान? There is one who joined with name of Joya Sangwan. Can you please tell your name? Is this Satish? Joya, please check. Joya? Okay, thank you. So let's go forward and talk more about it. As I told you about the GTM. GTM is the product जो आपका within data center काम नहीं करता, but ये product ये देखता है कि मुझे request कौन से data center पे send करनी चाहिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले diagram बना के भी बताया था, okay? इसी तरीके से आपका ASM होता है। ASM जैसे ये यहाँ पर आप देखो, ये check कर रहा है कि ठीक है request illegal तो नहीं है। अगर इलीगल है तो वो रिस्पॉन्स कहेगा कि नहीं, आई कैन नॉट सेंड इट टू द सर्वर। अब देखो इलीगल रिक्वेस्ट को ये आगे नहीं भेज रहा है, यहीं से रिस्पॉन्स कर दिया ASM ने कि इट इज नॉट अ वैलिड रिक्वेस्ट। लेकिन अगर ये वैलिड रिक्वेस्ट होती तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती और सर्वर जो है इसका रिस्पॉन्स भी देता, बट इलीगल रिक्वेस्ट है तो ये आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। देखो लीगल रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, ASM एक डिफरेंट प्रोडक्ट सूट है, अगेन 24 घंटे की टेक्नोलॉजी है, वैसे ही जैसे हम LTM पढ़ रहे हैं ऐसे ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट सूट आपका ASM का है। बट ठीक है, उसमें हम DOS, DDoS, ब्रूट फोर्स है ना, और भी बहुत तरीके के हमारे वेब स्क्रैपिंग से लेके बहुत सारे हमारे अटैक्स होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं उसके बारे में, और अटैक्स कैसे ASM हमारा रिजोल्व करता है हम ये सारा पढ़ते हैं। तो मेनली जो भी साइबर सिक्योरिटी के हैं वो इसको पढ़ते हैं, जो फायरवॉल की साइड से हैं वो इसको पढ़ते हैं, और जो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं फाइन वो भी इसको पढ़ते हैं, ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक ना, ये स्लाइड आपकी क्या बता रही है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट सूट में की जो फैमिली है उसको ये ना रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके वर्चुअल एडिशन भी हो सकते हैं। वर्चुअल एडिशन कौन से? जैसे आपने लैब पे अगर F5 बनाना है तो आप वर्चुअल एडिशन में आप वहां जाओगे, डाउनलोड करोगे कोई भी वर्जन जो भी आपको बनाना है, अपनी लैब पे डिप्लॉय करोगे एंड यू कैन यूज। प्रोडक्शन पे आपको चाहिए,
तो आपका VMware होगा या कोई भी हाइपरवाइजर आप यूज कर सकते हो, टाइप वन टाइप टू। ओके, बेसिकली टाइप वन ही हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो जो भी मतलब टाइप टू भी करना है तो कोई भी आप कर सकते हो हाइपरवाइजर। और उसके ऊपर कितना MB का आपको थ्रूपुट चाहिए वो सारा आप पहले एनालाइज करोगे। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 25 MB का ही आपका थ्रूपुट इनफ होता है ना इन केस ऑफ वर्चुअल एडिशन। तो वहां पर आप उसको डिप्लॉय करोगे और वो अपने एनवायरमेंट में यूज करोगे। दूसरा, आप फिजिकल अप्लायंस यूज कर सकते हो, जैसे 1600 चेसिस है, 3600 है, 400 है, 500 है, बिट लाइक देर आर लोट ऑफ आपके वर्जन्स यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप ISP साइड पे हो या बहुत हाई एंड का आपको ट्रैफिक चाहिए तो आप विप्रो एंड चेसिस भी यूज कर लेते हो। ओके, सो ये थोड़ा सा आपके हार्डवेयर के टाइप है और सॉफ्टवेयर के टाइप है। क्लाउड में भी आपका F5 चलता है ना, ओवर द अमेज़न, ओवर द मे बी एनी क्लाउड यू कैन यूज F5। अब आप देखें तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, देखो 11,000 का ये फ्रंट व्यू दिखा रखा है, राइट। ये 11,000 का आपका लीयर जिसके अंदर आपको पंखे दिखाई दे रहे हैं और ये पोर्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं विप्रो चेसिस में। ओके, तो ये रियर व्यू है इस, तो ये छोटा सा प्रोडक्ट है आपका, लेकिन हाँ वेरी एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन हैंडलिंग। जब एप्लीकेशन हैंडलिंग की बात आती है बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, एंड दैट इज द रीजन इन डिफरेंट ऑफ द डेटा सेंटर आपका F5 आपको देखने को मिली जाएगा। ओके, सो दिस इज योर बिग आईपी। अब थोड़ा हम बात करते हैं ना, जो मैंने फुल प्रॉक्सी के बारे में आपको मेरे ख्याल से पहली क्लास में जब मेरी डेमो हुआ था तो मैंने डेमो में भी बताया था। डेमो में आई होप आसिफ और जिग्नेश आप दोनों नहीं थे, है ना, शोएब आप थे, राइट। तो अभी हम ना उसके बारे में बात करेंगे अभी कि पैकेट पेज डिजाइन क्या होता है। पैकेट पेज डिजाइन, अभी तक आपने जो भी आपने जिस भी डिवाइस पे आपने काम किया है, कोई भी आपकी नेटवर्क डिवाइस है या सिक्योरिटी डिवाइस है, किसी पे भी आपने काम किया है, वो पैकेट बेस डिजाइन होती है। किस तरीके से, आप यहाँ देखिए, ये आपका एक सोर्स है, दैट इज द क्लाइंट। इट कैन बी लैपटॉप, डेस्कटॉप, है ना, आपका आईपॉड वगैरह, ये कुछ भी, या मोबाइल, व्हाटएवर। इसको कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर ली, ऑफकोर्स एप्लीकेशन सर्वर एक तो होगा नहीं, फॉर द रिडंडेंसी देयर कैन बी मैनी मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगी और वहां जाके बात करेगी। अब जब ये बात करेगी तो सोर्स क्या होगा, ये मेरा क्लाइंट होगा, और डेस्टिनेशन क्या होगी, एप्लीकेशन सर्वर होगी। ऐसे ही आपका काम होता है ना, यस और नो? यस। लेकिन जब मैं फुल प्रॉक्सी की बात करूंगा ना, फुल प्रॉक्सी, तो वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट होता है। हाउ, अभी हम बात करते हैं फुल प्रॉक्सी पे। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस तरीके से काम होता है, यू गाइस आर अवेयर। अब बात करते हैं फुल प्रॉक्सी की। देखिए, फुल प्रॉक्सी के अंदर क्या रहता है, कनेक्शन आपका प्रॉक्सीड हो गया, है ना, प्रॉक्सीड हो गया। मतलब प्रॉक्सीड का क्या मतलब हुआ, क्लास में जब हम होते थे कोई एक बंक मार जाता था, दूसरा बंदा उसकी प्रेजेंट लगवाता था, तो ही इज प्रॉक्सिंग, है ना, उसी तरीके से आप इसको मान लो प्रॉक्सीड। हुआ क्या, अब आपका सोर्स ये है पर डेस्टिनेशन आपकी ये नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है, बिग आईपी। इंटर्न ये को रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और ये डेस्टिनेशन इसकी है। सो देयर आर टू पैकेट्स, पैकेट नंबर वन एंड पैकेट नंबर टू। बस समझ में आ रही है, एनीबडी हैज एनी इशू? इस तरीके के डिजाइन को हम फुल प्रॉक्सी डिजाइन, फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर बोलते हैं। एक काम करता हूँ मैं आपको ना, लैब भी दिखाता हूँ और लैब में ये आपको शो भी करके दिखाता हूँ, सो दैट यू पीपल आर अवेयर कि ये फुल प्रॉक्सी डिजाइन काम कैसे करता है। ओके, बाय द वे आप सभी को लैब मिलेगी, सेम लैब मिलेगी, आपको खुद से ये कॉन्फ़िगर भी करनी है। ओके, तो हर किसी को उसका अपना एक अलग से पोर्ट भी मिलेगा। लैब देखेंगे आप तो दो F5 है हमारे, राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट करेंगे, कुछ भी अगर आपको स्टार्ट करना, इस तरीके से आपकी लैब पे काम है। ठीक है, एक बार ये स्टार्ट होगा तो थोड़ा टाइम लेता है, यू आर अवेयर कि F5 को बूट अप होने में कम से कम 5-7 मिनट लगी जाती है। ये आपके लेयर 3 स्विच लगा हुआ है कनेक्टिविटी के लिए, ये आपके 3 सर्वर हैं जो सर्वर जोन में है,
ये जो आपका पीसी है ये मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो रहा है और एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए भी यूज हो रहा है, मतलब एज अ क्लाइंट भी काम कर रहा है। तो इस पीसी पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे एक पीसी की मैनेजमेंट मिल जाएगी। ये देखिए स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो ये बूट अप हो रहा है, लेट इट गेट बूट अप। अब इसी पीसी से मैं इनमें से किसी की भी मैनेजमेंट ले सकता हूँ जो डिवाइसेस मैंने ऑन की है, अनटिल और अनलेस मेरी कनेक्टिविटी पार्ट इज नॉट अ इश्यू। ओके, देखिए पीसी आपका ओपन हो गया। अब इस पीसी से जो भी मेरी F5 की मैंने आईपी है वो आईपी मैं पिंग करूंगा, है ना। ये लैब के बारे में हम कल बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर, डोंट वरी। कैसे इसकी प्रोविजनिंग होगी, क्या क्या करना है, कैसे इसको स्टार्टिंग से इसको कैसे इनिशियलाइज करना है, लैब कैसे बनानी है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा। आज मैं आपको बस ये दिखा देता हूँ कि F5 दिखता कैसा है और हम लैब पे कैसे काम करेंगे। चलो मीनवाइल वो बूट होता है, मैं आपसे थ्योरी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कनेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोक्सीड हो जाएगा। तो पहला टीसीपी कनेक्शन जो बनेगा वो F5 के साथ बनेगा आपका, और दूसरा टीसीपी कनेक्शन F5 किसके साथ बनाएगा, सर्वर के साथ बनाएगा। इसमें से कौन सा सर्वर के साथ बनाएगा, यहाँ पे तो तीन सर्वर है। दैट डिपेंड अपॉन लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म। तो लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि वो कौन से सर्वर पे जाना चाहिए। ओके, वो हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म क्या होता है, प्रोफाइल्स क्या होती हैं, है ना, LTM में माइग्रेशन जब हम करते हैं 1 आर्म मोड क्या होता है, 2 आर्म मोड क्या होता है, वो सब हम बात करने वाले हैं। कितने इसके इंटरफेस होते हैं वो भी सारे बात करेंगे। अगर आप यहाँ देखो, ये मेरी लैब, एक मिनट होल्ड करो। हाँ, यहाँ अगर आप देखो तो एक F5 पे आपको कितने इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, 4, 1, 2, 3, 4, है ना। तो 4 आपके इंटरफेस हो सकते हैं ओवर द F5, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम जो आपको बता रहा हूँ वो कैसे देखते हैं। ये एक F5 यूनिट है, ये प्राइमरी यूनिट है, 1 लिख देता हूँ इसके सामने। एक और F5 यूनिट है, इसको मैं सेकेंडरी बनाऊंगा, इसके सामने मैं 2 लिख देता हूँ। जो कनेक्शन मेरा इन दोनों के बीच में होगा उसे मैं बोल देता हूँ HA, हाई अवेलेबिलिटी, है ना, HA हो गया। और जो मैं इससे बात कर रहा हूँ, जो भी इसको मैनेज करूंगा, उसको बोल देता हूँ मैनेजमेंट। तो एक पोर्ट किसके लिए हो गया, मैनेजमेंट के लिए हो गया। 2 पोर्ट हो गए आपके, एक पोर्ट आपका हो जाता है जो भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स आएंगे वो कहाँ पे हिट करेंगे, वो हिट करेंगे एक्सटर्नल वीलैन पे। तो ये आपका एक वीलैन कौन सा हो गया, एक्सटर्नल वीलैन के लिए हो गया। अब ये ट्रैफिक कहाँ जाएगा, ये ट्रैफिक आपका जाएगा इंटर्न टू द सर्वर फॉर्म, जो भी आपके सर्वर्स हैं उन पे जाएगा। तो इसको बोल देते हैं इंटरनल वीलैन, इंटरनल। तो एक F5 पर आपके कितने विलेन हो सकते हैं, 4, दैट इज मैनेजमेंट के लिए 1 हो सकता है, HA के लिए 1 हो सकता है, एक्सटर्नल के लिए 1 हो सकता है, इंटरनल के लिए 1 हो सकता है। कई ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल एक ही हो जाता है, सिंगल सिंगल विलेन पे हम खेल लेते हैं, उसको बोलते हैं 1 आर्म मोड। इसके बारे में बाद में बात करूंगा वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से आपका सेटअप हो सकता है। एनी डाउट इन दिस? नहीं सर, इसमें आप बोल रहे हैं कि 4, इसमें 4 इंटरफेस हैं, मतलब तो एप्रोक्सीमेट कितने हो सकते हैं किस पर डिवाइस पर, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड? वीलैन तो देखो 4 ही होंगे। नहीं,
नहीं, ऐसा कर सकते मतलब हो, इंटरफेस। वेट वेट, आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक कुछ इंटरफेसिस को आप कपल कर दो। सिस्को में इसको पोर्ट चैनल बोलते हैं, FI में इसको ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक। ओके, सिस्को में ट्रंक कुछ और होता है, राइट, ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट, कुछ और होता है। तो वो अभी नहीं मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, इंटरफेसिस आपके कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो डिपेंड इस पे भी करता है कि आपका हार्डवेयर कौन सा है। हार्डवेयर के बाद कुछ पोर्ट्स आपके होंगे, इसमें SFP लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, केबलिंग की हुई है नहीं की हुई है, कुछ आपके स्पेयर पोर्ट्स भी आप छोड़ सकते हो। सेम चीजें जो आप दूसरे वेंडर्स पे करते हो इस वेंडर पे भी सेम है। ओके, हेलो, इज इट ओके सोएब? यस सर, यस सर। आसिफ, जिग्नेश, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? एक क्वेश्चन है, यानी एक्सटर्नल और हाई एचएवी डन सेम हो सकते हैं, डिफरेंट होना चाहिए? दोबारा बताइए क्वेश्चन। एक्सटर्नल विलन और एचएवी डन सेम हो सकते हैं? नहीं, एक्सटर्नल और इंटरनल मैंने आपको बताया। नहीं, जो एचएवी डन हाई अवेलेबिलिटी का वो एक्सटर्नल हो सकता है? आप एक क्यों रखोगे? नहीं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपको अलग ही बनाना चाहिए, एचए आपको अलग ही बनाना चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी। जी, जिग्नेश, क्लियर टू यू? यस यस, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, F5 क्या है, फुल प्रॉक्सी। अब देखो हमारा ट्रैफिक आएगा कैसे, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक क्लाइंट है, क्लाइंट जाता है F5 पे, F5 भेजता है सर्वर पे। सर्वर कैन बी 1, 2, 4, 3। सेम टोपोलॉजी अगर आप देखो हमारी लैब में, ये क्लाइंट है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाएगी F5 पर, F5 की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, इट कैन बी 1, 2 और 3। सेम डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम ये है, फिजिकल डायग्राम ये है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जब ट्रैफिक जाएगा तो ट्रैफिक जाएगा एक्सटर्नल विलेन से, एक्सटर्नल विलेन से। जब ट्रैफिक सर्वर फॉर्म पे जाएगा तो वो कौन से विलेन पे जाएगा? इंटरनल पे। और यहाँ पे दो कनेक्शन बनने चाहिए, एक कनेक्शन किसके बीच में? क्लाइंट के बीच में और FI के बीच में। दूसरा कनेक्शन किसके बीच में? FI के बीच में और सर्वर के बीच में। ओके, तो ये आपका कनेक्शन बनता है जब आप FI यूज करते हैं। तो अभी एक बार देखते हैं मैं देखता हूँ मेरा FI प्रोविजन भी है या नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, मतलब कल बताऊंगा। अगर होगा तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि दो कनेक्शन कैसे बनते हैं। उप्स, तो इसका लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है, मैं कल आपको सिखाऊंगा कि लाइसेंस कैसे बनता है, और फिर ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये आपका आना है ही है ना, ये आगे आएगा ही, तो मैं आगे बता दूंगा। आज मैं वैसे ही आपको एक्स्ट्रा करके दिखा रहा था सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, बट इट्स ऑल राइट, ये अपना अभी कोर्स में है, अभी शुरू होगा। ओके ओके, तो आप जब भी अपनी डिवाइस अप करते हैं तो आपको लाइसेंस डालना पड़ता है। अभी वो मेरा लाइसेंस क्या हो गया? एक्सपायर्ड हो गया। ये लाइसेंस कितने दिन के लिए होता है? 30 दिन के लिए होता है, 30 डेज। व्हाई? बिकॉज ये लैब लाइसेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे लाइसेंसिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। नाउ लेट्स कम बैक टू द फुल प्रॉक्सी। फुल प्रॉक्सी डिजाइन क्या होता है ये समझ में आ गया आप सभी को? प्लीज डू लेट मी नो, यस और नो? यस। तो यहां पर अगर आप देखो, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आपकी जाती है FI तक, FI इंटर्न भेजता है रिक्वेस्ट सर्वर पे, सर्वर भेजता है रिस्पॉन्स, वही रिस्पॉन्स FI भेज देता है क्लाइंट पे। क्लाइंट इज अनअवेयर अबाउट द फैक्ट कि वो जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल FI ने की है या बैकएंड सर्वर ने की है। तो ये जो आपका पार्ट है इट गोट हिडन, छुपा दिया गया ये पार्ट आपका, है ना? आपका ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अब कोई भी अटैक आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन सर्वर पे नहीं होगा, FI इज देयर।
टू हैंडल इट। और FI में जब आप WAF भी यूज कर रहे हो, मतलब LTM और ASM दोनों एक ही बॉक्स पे यूज कर रहे हो, तो आपका LTM पार्ट चेक करेगा कि मेरे सर्वर कौन सा सर्वर है, किस पे मुझे भेजना है, क्या लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। ASM पार्ट चेक करेगा मेरी रिक्वेस्ट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई मेरी रिक्वेस्ट के अंदर ऐसा तो नहीं है कि मेरा इलेजिटिमेट ट्रैफिक आ रहा हो। तो वो सारी चीज़ें आपके ये दोनों के दोनों मॉड्यूल चेक करते हैं और तभी आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ओके तो फुल प्रॉक्सी के बारे में मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, और क्योंकि ये फुल प्रॉक्सी है तो FI क्या कर सकता है, इस ट्रैफिक को देख सकता है, है ना, इसको ओपन कर सकता है, इसको देख सकता है और इसको मॉडिफाई भी कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो। कैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको क्लासेस में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं इसका फायदा क्या क्या होने वाला है हमें। फायदा ये होने वाला है कि अगर IPv6 एक क्लाइंट सपोर्ट करता है, नया है क्लाइंट, है ना, उसकी IPv6 पे वो चल रहा है, तो IPv6 सर्वर पे नहीं, सर्वर पे IPv4 ही है। तो इस तरीके से भी कनेक्शन बन सकते हैं कि क्लाइंट और FI के बीच में IPv6 चल जाए और FI और सर्वर के बीच में IPv4, और इट कैन बी वाइस वर्सा कि सर्वर मेरा IPv6 पे है लेकिन क्लाइंट IPv4 पे है। तो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर कंप्रेस्ड है, अनकंप्रेस्ड है, ये भी आपका हो सकता है। इनक्रिप्टेड अनइनक्रिप्टेड, ये मैंने आपको SSL के बारे में बताया था, है ना। जब हम SSL के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि SSL हैंडशेक कैसे होता है, उसके अंदर सिमेट्रिक क्या, सिमेट्रिक की क्या कैसे काम करती है, एसिमेट्रिक की कैसे काम करती है, कैसे दोनों तरफ से दोनों पार्टी जो है कीज बना लेती है, प्राइवेट की क्या होती है, पब्लिक की क्या करती है, ये सारी बातें हम बाद में बात करेंगे जब हम SSL प्रोफाइल पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखो कि लेयर 7 डेटा आ रहा है वो मॉडिफाई हो सकता है, मतलब मान लो कि एज पर सम काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नेम्ड एज आई रूल मुझे कुछ चेंज करना है, वो चेंज मैं ओवर द FI कर सकता हूँ बड़ी इजिली। ओके, दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इज देयर ऑन FI। तो FI इज प्रोवाइडिंग यू लोड बैलेंसिंग। यहाँ पर देखो लोड बैलेंसिंग मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक क्लाइंट का ट्रैफिक आ रहा है और बीच में मेरा FI है और सर्वर मेरे एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा सर्वर है, तो इस केस के अंदर इस सर्वर पे मान लो मेरा ट्रैफिक 100 है और इस सर्वर पे मेरा ट्रैफिक 50 है, नेक्स्ट ट्रैफिक जो आएगा वो 50 वाले पर ही जाएगा, 100 वाले पे नहीं जाएगा। FIV is closely monitoring the load. FIV is closely monitoring the availability. FIV is closely monitoring the performance. It is providing you the security. Is it fine? Getting this point? आपको समझ में आ रहा है ना दोनों को? Yes or no? आसिफ, सोहेब, समझ में आ रहा है? Yes. Okay. अब देखो एक और चीज मैं अभी आपको बताता हूँ। हर एक वेंडर अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है। सिस्को है, सिस्को आपका बनाता है iOS, है ना, सिस्को का iOS है। तो इसी तरीके से आपका जो FI है ना, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है TMOS, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, TMOS, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बना किस पे हुआ है? ये बना इवेंचुअली ओवर द लिनक्स पे हुआ है। लिनक्स से ही इन्होंने बना दिया ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आपका LTM है, GTM है, ASM है, APM है, या कोई भी कुछ भी है, वो सब TMOS पे चलते हैं। आई रूल्स सभी पे चलते हैं, फुल प्रॉक्सी सभी सपोर्ट करते हैं, SSL कार्ड लगा हुआ है, कंप्रेशन कार्ड लगा हुआ है, ताकि आपका SSL इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन आपका होता रहे। ओके, इज इट क्लियर?
समझ में आ रहा है भाई? यस ओके। अब थोड़ा सा ना हम इस कार्ड के बारे में देखते हैं जो F5 का हमारा लगा हुआ है। ये कार्ड क्या कैसे लगा हुआ है? ये आपका एक कार्ड दिखाया हुआ है 3600 का इंटरनल। इसके अंदर आप ये देखो तो दिस इज योर प्रोसेसर, जो भी आप प्रोसेसिंग वगैरह करता है प्रोसेसर आपको पता ही है। भी आप देखो तो SSL एक्सेलेरेटर कार्ड है, आपकी जो भी SSL इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होंगी वो यही मेंटेन करेगा। तीसरा आप देखो CAOM दिखाई दे रहा है ना, ऑलवेज ऑन मॉड्यूल करके इसे बोलते हैं, जो एक्सटर्नल आपका अगर सारा सिस्टम डेड हो जाए, आपको कोई मैनेजमेंट नहीं मिल रही है, तो आप इसके थ्रू आप मैनेजमेंट ले सकते हैं। फिर डी आप देख रहे हो कि आपका एक CF कार्ड लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप हार्ड ड्राइव वगैरह, मतलब आप अगर बूट अप करवाना है तो आप यहाँ से भी बूट अप करवा सकते हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर F5। ओके, तो ये आपका क्या है, फ्लैश कार्ड, कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड है ना, फ्लैश कार्ड। आगे चलते हैं। अब यहाँ से ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और आई होप इट विल मेक सेंस। ये आपका F5 है जिसमें मैनेजमेंट पोर्ट आपको अलग दिखाई दे रहा है, इथ जीरो भी होता है कई जगह पर, ये है ना, USB पोर्ट आपको अलग दिखाई दे रहा है, फेल ओवर पोर्ट आपको अलग दिखाई दे रहा है, कंसोल आपको अलग दिखाई दे रहा है। दीज आर योर TMM पोर्ट्स, ट्रैफिक माइक्रो मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका TMM पोर्ट्स होते हैं जो यूजर ट्रैफिक कैरी करते हैं। अपलिंक पोर्ट्स SFP, फैन, LCD पैनल, ये कंट्रोल्स और ये F5। देखिए अगर आप डेटा सेंटर में हो तब तो आप इस चीजों को देख सकते हो, अगर आप डेटा सेंटर में नहीं हो और डिवाइस वर्चुअल है तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। ओके, आपको इसकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए कि F5 काम कैसे करता है, तो दैट वी विल बी गोना लर्न। सो मैनेजमेंट पोर्ट इज इथ जीरो, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखो ये F5 का 39 सीरीज का कुछ आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से F5 के 3900 सीरीज के आपके डिवाइसेस यूज होती है डेटा सेंटर के अंदर। जब भी आप डिवाइस लगाते हो रैकिंग में, आप इसको कनेक्ट करते हो सीरियल पोर्ट से, और बाय डिफॉल्ट आपकी F5 डिवाइस के ऊपर एक IP डली होती है, दैट इज 192.168.1.245। ये बाय डिफॉल्ट हर डिवाइस पे आपको मिलेगी। तो आपने करना क्या है, सीरियल पोर्ट जिस भी आप PC पे लगा रहे हो इस पे भी 192.168.1.1 डाल दो या कुछ भी डाल दो, और फिर आप ये वाली IP से इसको एक्सेस कर सकते हो, और इसमें जो भी आपने IP डाली है या गेटवे चेंज करना है या VLAN बनाना है, आप कुछ भी कर सकते हो बाद में एक बार आपको कंसोल मिल जाए तो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि F5 ये IP इसलिए देता है क्योंकि 245 को अगर आप हेक्स में चेंज करो तो इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू F5। ओके, सो दैट इज द रीजन कि F5 जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए ये IP आपको देता है ना, तो दिस इज लीडिंग टू द F5 अगेन। ओके, अब ये वाला पोर्ट क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपको IP एड्रेसिंग चेंज करनी है स्टार्टिंग में, आपकी कोई भी डिवाइस है, डिवाइस पे आपने लॉगिन किया और उसकी IP एड्रेसिंग आपको चेंज करनी है, तो आप कैसे करोगे, आप टाइप कर दोगे कॉन्फ़िग और एंटर प्रेस करोगे। इस तरीके की एक यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, इसमें IP एड्रेस डालोगे, नेट मास्क डालोगे, मैनेजमेंट रूट करना चाहते हो या नहीं वो बताओगे, यस लिखोगे तो एक और राउट डालने का आपको ऑप्शन आ जाएगा, फिर ये कंफर्म करेगा कि कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म कर दें या नहीं, यस कर दोगे तो इट विल सेव द कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर अगर आप गए F5 में आपका दो क्रेडेंशियल होते हैं, एक एडमिन और एक रूट, CLI पर रूट काम करता है। देखो अगर मैं इस पे लिखता हूँ कॉन्फ़िगर और एंटर करता हूँ, ओके, तो ये यूटिलिटी मेरे सामने खुलकर आ जानी चाहिए इफ एवरीथिंग इज फाइन। तो ओके,
कोई इसकी स्टेट वगैरह फील्ड हो गई है ना, वो चेक कर लेते हैं। फेल हो रहा है, कोई इशू नहीं। मैं आपको दूसरा भी तरीका बता दूंगा, क्योंकि कई बार ये इशू आ जाता है इन्वायरमेंट के अंदर भी। तो क्या हमारे पास दूसरा तरीका है? है, क्या है? हम TMSH में जाएंगे और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, शो नॉट शो लिस्ट सिस मैनेजमेंट IP, देखो आपको ना यहाँ पर मैनेजमेंट IP दिखाई दे रही होगी, राइट। तो ये मैनेजमेंट IP कैसे कन्फिगर करनी है ओवर द CLI, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आफ्टर CLI पार्ट कम्स इनटू द कंसिडरेशन। अभी हमारा CLI पार्ट जो है वो मैंने आपको बताना शुरू नहीं किया। तो TMSH क्या होता है, यूनिक्स मोड क्या होता है, लिनक्स मोड क्या होता है, बेस मोड क्या होता है ना, ये सारा आपको बैश मोड वगैरह आपको बताना है, उसी के बाद हम इस पे आगे चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में अभी तक जो भी मैंने आपको करवाया, इसमें कोई भी डाउट किसी को भी है तो आप प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। सोहेब, कोई क्वेश्चन है आपको? आसिफ? नो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, अपनी ये जो क्लास रहेगी 3 PM to 5 PM का वैसे हमारा टाइम है ना, 3-5 PM स्टार्ट कर देंगे। प्लीज आप अपनी वॉचेस देख लेना, है ना, इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको बोल रहा हूँ, IST टाइमिंग के अकॉर्डिंग 3 PM पे हम इसको स्टार्ट कर देंगे और एग्जैक्ट एट 4 PM पे हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक आपकी 10 मिनट्स की होगी, तो जो भी आपको स्ट्रेचिंग करनी है, स्मोकिंग करनी है, कुछ भी करना है, आप 10 मिनट्स की ब्रेक में आप कर सकते हैं, ओके। और फिर जितना भी हमारा टॉपिक बचेगा टिल 5 PM है ना, या 4:50 हो गया या 4:55 हो गया, व्हाटएवर, जो भी हमारा टॉपिक खत्म होगा वो हम 5 PM तक कवर करेंगे। और उसके बाद ये जो क्लासेस हमारी रहेगी सैटरडे और संडे बोथ डेज रहेगी, ओके जी। तो आज हम क्लासेस थोड़ी जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि पहली क्लास थी, थोड़ा सा थ्योरी भी ज्यादा होता है पहली क्लास में, तो ज्यादा थ्योरी हम करेंगे नहीं। कल हम प्रैक्टिकल भी साथ के साथ करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो कल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको जो बताया आई होप कि वो आप लोगों को समझ में आ गया, प्लीज इसको एक बार पढ़िए। दूसरा, वीडियोस आपकी अपलोड होती रहेंगी ओवर द पोर्टल, ठीक है। आप जोया से पूछ लीजिएगा कि कैसे पोर्टल पे एक्सेस लेना है, आप अपना एक्सेस बनवाइए पोर्टल पे, ताकि आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहें, ये सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा आपको सभी दोनों को लैब मिलेगी, तो वो लैब के लिए क्या लैब सॉल्यूशन है, कैसे लैब आपने लेनी है, ये भी आप एक बार जो है से आप कॉन्टेक्ट कर लेना और वो आपको बता देगी कि लैब पे आपको कैसे एक्सेस मिल जाएगा और आपको ये लैब मिल जाएगी FI LTM की, ठीक है। आसिफ, आपसे मैं मेरे ख्याल से इसके बाद बात करूंगा, है ना, रिगार्डिंग द लैब मेरे ख्याल से आपसे कुछ बात करना चाहूंगी, ठीक है। रेस्ट आई होप एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल एट द सेम टाइम 3 PM IST और स्टार्ट करते हैं LTM बैच कल से ही। आज थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्टरी आपको सेशन दिया था इसलिए कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए F5 के बारे में, ताकि कल हम जब स्टार्ट करें तो यू शुड बी अवेयर कि हम कर क्या रहे हैं।